संसद में एक समिति की बैठक में से मैं आया हूँ यहाँ पर, विशेषकर इस कारण कि कल सूचना मिली कि गिरिराज जी ने 93 वर्ष की आयु पूरी करके 94 वर्ष में प्रवेश किया और इस कार्य में लगे हुए वर्षों से बहुत कम ऐसे मिले होंगे कि जो इस आयु तक लगातार कार्य करते रहे और आज भी स्वस्थ रूप से अभी भी जो कुछ भी कर सकते हैं वो करने को तत्पर हैं। शायद मुझे जहाँ तक स्मरण आता है कि नानाजी ने जब हमको छोड़ा तब वो 92 के थे। मुझे और किसी का स्मरण नहीं आता। राम सिंह जी भी उसके आसपास ही होंगे। हाँ, ठाकुर साहब भी। हाँ, जीवन में दो और सहयोगी मिले, वो कोई मेरे कार्य से जुड़े हुए नहीं थे लेकिन जिन्होंने इसको भी पार करके, एक मुरारजी भाई थे जिन्होंने 99 पार करके और 100 में प्रवेश किया था, और एक वेंकटरमन जी थे, वो उन्होंने भी 99 पार करके और 100 में प्रवेश किया था। और मुझे स्मरण है कि जिस समय उनकी आयु 98 की थी तब मैं वाजपेयी जी को स्वास्थ्य के कारण देखने गया था और वो भी वो आए थे वहाँ पर उनको देखने के लिए। तो ऐसे लोग कुछ हैं कि जिन्होंने संयमित जीवन बिताते हुए, और जैसे आज गिरिराज जी ने इस अवस्था को प्राप्त किया है और जिसके कारण हम सब उनका सम्मान करने के लिए यहाँ पर आए हैं, ऐसे बहुत कुछ ही लोग होते हैं। लेकिन उनसे जब भी मिलना होता है तो खुशी होती है, आनंद होता है और मन में इच्छा होती है कि इसी प्रकार का संयत जीवन, इसी प्रकार का श्रेष्ठ आचरण करते हुए हम में से जितने लोग देश की सेवा कर सके उतनी करनी चाहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं गिरिराज जी को, और कम लोगों को शायद पता होगा कि मैं जब 1947 के बाद और विभाजन के बाद अपना जन्म स्थान कराची और सिंध छोड़ करके इस ओर आया था तो संघ के ही कार्य के कारण मैं राजस्थान गया था, जहाँ पर मुझे दायित्व दिया गया उस क्षेत्र में मुझसे पूर्व गिरिराज जी थे। जी, ये मैं भरतपुर की बात कर रहा हूँ कि जिस भरतपुर के, हमारे रामलाल जी यहाँ बैठे हैं, वो भी भरतपुर जिले के ही हैं, वो डीक के हैं, और मैं जब भरतपुर गया था तो उससे पहले गिरिराज किशोर जी वहाँ पर थे। जहाँ तक मुझे स्मरण है वो मूल मैं तो नहीं कहते, आप कहाँ कहते स्मरण से लेकिन आज यहाँ पर आप सबके बीच आकर के और उनका अभिनंदन करने में मुझे बहुत खुशी हो रही है। और इसीलिए जब कल पता लगा था आपका जन्मदिन है और एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है आपके जीवन में, मैंने कहा मैं जरूर मिलूंगा। बहुत बहुत शुभकामना। हाँ, तो उसके बारे में जो कुछ कहना होगा जरूर उपयुक्त अवसर पर कहेंगे।